अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने जो रेसिपी बनाई है लेफ्ट ओवर दाल की चटपटी सी रेसिपी है ये। मैंने बची हुई दाल की और आलू की कचौरियाँ बनाई हैं एक नए अंदाज में। चले अब मैं चलती हूँ रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने एक कटोरी आटा ले लिया है, नॉर्मल आटा है ये। ये बची हुई दाल है रात की हमारी, दाल को मैंने पीस लिया, इसका पेस्ट बना लिया मैंने। तो इसमें मैं 4 से 5 चमचे इसमें दाल डाल दूंगी आटे में, आधा चमचा अजवाइन डाल दूंगी इसमें, 3 चमचे इसमें ऑयल डाल दूंगी मैं और आटे को अच्छे से मिक्स कर लूंगी मैं। इसको इस तरह मिलाना है कि इसकी ये इसी मुट्ठी में आ जाए। देखें मैंने नमक भी डाल दिया इसमें और कलौंजी, इसमें दाल डाल के इसको मैं अच्छे से आटा गूंथ लूंगी इसका। दाल के मैंने 4 चमचे लिए हैं और इसको मैं आटा गूंथ लूंगी। आटा मेरा गूंथ चुका है, मैं इसको 10 मिनट के लिए रख दूंगी। 3 अदद आलू ले लिए, इनको उबाल लिया है, इनको छिलके उतार दिए। 3 अदद आलू ले लिए हैं, इसको अब मैं तोड़ लूंगी आलूओं को और इसमें हरा धनिया डाल दूंगी थोड़ा सा, साबुत धनिया, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी पिसी हुई मिर्चें, थोड़ी सी इसमें हम काली मिर्च डाल देंगे, नमक हसबे ज़रूरत और इन सब चीज़ों को अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। आटा हमारा रेडी हो चुका है, अब मैं इसके 3 पेड़े बना लूँगी। अब मैं यहाँ थोड़ा सा ऑयल लगा लूँगी और मैं इसको अच्छे से बेल लूँगी रोटी को। शेयर बनाया मैंने आलू का, इसमें लगा दूँगी इसको अच्छे से मैं फोल्ड कर लूँगी। तो मैं इसकी पीस कर लूँगी ऐसे। और इसको अच्छे से मैं करके इसको प्रेस कर दूँगी। सारे मैं इसी तरह से बना लूँगी। नहीं रखे नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कढ़ाई में ऑयल रख दिया गरम करने के लिए और अब मैं इसमें डाल दूँगी। इसको मैंने शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। साइड चेंज कर दूँगी इसकी अब। अब मैंने ये सीख चुकी है, मैं निकाल दूंगी इनको प्लेट में। मेरी कचौरियों की रेसिपी तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, नए तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करिएगा, इससे मेरी हर आने वाली वीडियो आपको पहले मिल सकेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में भी याद रखिएगा। अब मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे नई रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।